everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to evidyarthi.in. Now we are moving towards question number 8. Let's see, kya hai question? What is the acceleration of free fall? Yahan par free fall ka acceleration hame batana hai. तो सबसे पहले फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिविजिट हो जाना चाहिए कि हमने फ्री फॉल में क्या पढ़ा था. कोई भी बॉडी को ऊपर से अगर ऐसे छोड़ा जाएगा तो जितना भी वो नीचे आती रहती है उसकी वेलोसिटी में चेंज देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि एक अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के अंडर है, इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है और उस फोर्स से वेलोसिटी में चेंज आता है. तो बिल्कुल उसी के बारे में, उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है वही हमें बताना है. सो व्हेन अ बॉडी इज अंडर फ्री फॉल इट एक्सपीरियंसेस अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी. व्हाई? ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल. सो एक फोर्स को, एक वेलोसिटी चेंज को वो एक्सपीरियंस करती है बॉडी बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल, दस प्रोड्यूसिंग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया है, यानी कि वहां से क्या उत्पन्न हुआ है, एक्सीलरेशन आया है. ठीक है? तो जैसे भी आप कहीं पे भी अगर पढ़ो कि आपकी वेलोसिटी में आपको चेंज दिख रहा है, रेस्ट से चेंज होके वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कुछ बढ़ गई है, कहीं पर भी चेंज अगर हमें दिखता है, दैट मीन्स एक्सीलरेशन का आना तो जाहिर है वहां पर. ठीक है? सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नोटेड बाय जी एंड इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पर हमने क्या है, हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, इससे पहले जब भी हम मोशन के बारे में पढ़ते थे या फिर हम जब तक फोर्स के बारे में भी पढ़ते थे, एक्सीलरेशन को हमेशा ए से डिनोट किया जाता था. लेकिन जब हमने ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में अपने एक्सीलरेशन को सीखा है, सो वी आर डिनोटिंग इट बाय जी, और उसका वैल्यू कॉन्स्टेंट होता है एंड दैट कॉन्स्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है? सो हमें इसका यूनिट नहीं भूलना है कि हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात करते हैं व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन. सो फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो हमेशा अगर अर्थ के सरफेस पे है तो हर जगह पे जो किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट ये वैल्यू चेंज हो जाती है व्हेनेवर वी चेंज द मीडियम. तभी मैंने इनमें लिखा है कि अर्थ के सरफेस पे बात कर रहे हैं. अगर हम अपना मून मीडियम रख लेते हैं या फिर स्पेस में चले जाते हैं तो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बिकॉज उस मीडियम की ग्रेविटी चेंज हो रही है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा. ठीक है? सो हमारे अर्थ सरफेस पे वी नीड टू रिमेम्बर कितनी होती है उसकी वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस एंड अकर्ड बाय फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी. ठीक है? सो नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन. Up till then, keep learning, keep watching. Bye-bye.